साथ है मेरे हस्बैंड फाहद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार किस्म के चिकन फ्राइड फिंगर्स। तो जी हम आपको बताते हैं कि इसके लिए हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम लेंगे चिकन 250 ग्राम, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टी स्पून, काली मिर्च 1 टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टी स्पून, ऑरिगेनो 1 टेबल स्पून, नमक हसब जरूरत, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट हसब जरूरत। अब सबसे पहले हम लेंगे ब्लेंडर और उसमें डालेंगे अपना चिकन। लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद सोया सॉस, अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप उसको ना भी डालें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने ब्लेंडर में सब कुछ डाल दिया है और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। अभी मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल, ऐसा आप इसको देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके बाद बनाएंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और अब हम चिकन फिंगर्स को बनाएंगे और उसकी कोटिंग करेंगे। और कोटिंग के लिए चीज़ें हमें चाहिए वो है एक अंडा जिसमें मैं नमक डाल के फेंट ली है, मैदा हसब जरूरत, ब्रेड क्रम्स हसब जरूरत। हमारे चिकन फिंगर्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसको कोटिंग करके रख भी सकते हैं, इसको फ्रीजर में रख दें, और जब जैसे कि आप जान रहे हैं कि रमजान आ रहा है तो आप इसको निकालें, कोई कॉल इसको फ्राई करें सारी से पहले और मज़े करें। तो सबसे पहले कोटिंग के लिए हम अपना एक फिंगर उठाएंगे, उसको मैदे में कोट करेंगे, फिर हम उस पर अंडे की कोटिंग लगाएंगे। अच्छी तरह आपने उसको कवर कर लिया हर तरफ से, और फिर हम उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इस तरह हम अपने सारे फिंगर्स को रेडी कर लेंगे। और ये हमारी चिकन फिंगर बिल्कुल तैयार है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब पैन में ऑयल हमने गर्म कर लिया है और अब हम इसमें अपनी जो हमने फिंगर्स बनाए हैं उनको डालेंगे और फ्राई करेंगे। इसको फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। आप इसको बना के रखें और रमजान में अफ्तारी से पहले आराम से फ्राई करें, निकाल टाइम बचाएं अपना। जब तक हमारी चिकन फिंगर फ्राइज रेडी हो रही है तब तक हम उसके साथ डिप सॉस रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए रेड चिली फ्लेक्स, टोमेटो केचप, गार्लिक पेस्ट और मायो, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमारी चिकन फिंगर फ्राइज तैयार है और साथ हमारी डिप सॉस भी रेडी है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। वाओ, ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में इसको ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब मुझे आप आपको दे इजाज़त, दोबारा मिलेंगे। बाय।